इस जून की गर्मी में जहाँ पूरी दिल्ली गर्मी से बेहाल थी, मेरे भाई को घर बैठे बैठे खुराफाती दिमाग चल रहा था। जून की इस गर्मी में जहाँ पूरी दिल्ली पहाड़ों की तरफ जाते हैं, मेरे भाई के दिमाग में आया कि क्यों ना राजस्थान चलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या, हमने बैकपैक किया और रात होते ही अपनी धनों लेके निकल पड़े हम राजस्थान की ओर। अभी तक हमने कोई भी प्लानिंग नहीं करी थी, कहाँ रहना है, कैसे रुकना है, क्या ट्रिप करना है, कहाँ घूमना है, कोई भी प्लानिंग नहीं थी। तो देखते हैं ये ट्रिप कैसे जाता है। हम जयपुर की तरफ जा ही रहे थे कि इतने में दिमाग में आया कि भानगढ़ फोर्ट भी तो रास्ते में ही पड़ेगा, तो क्यों ना भूतों से मुलाकात करते हुए चले। तो हमने लेफ्ट टर्न लिया और पहुंच गए भानगढ़ फोर्ट। फाइनली पहुंच चुके हैं अब हम अपने राजस्थान के टूर के पहले लोकेशन पे, और पहला लोकेशन हमने चूज़ किया था ये, जो भूतों के नाम से फेमस है, इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ फोर्ट। मैं दिल्ली से निकला था ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास निकला था रात को, और मॉर्निंग में 5 AM तक मैं यहाँ पहुँच गया था। तो मतलब काफ़ी ड्राइव काफ़ी ईजी थी, रास्ते पहले से बेटर हो गए। तो अभी पहुँचे, चलो आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। भानगढ़ फोर्ट, इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। भानगढ़ के बारे में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन जो सबसे फेमस कहानी है वो कहानी है रानी रत्नावती की। यहाँ के गार्ड से बात की तो सबकी अलग अलग कहानी थी। कुछ गार्ड के हिसाब से यहाँ पे भूतों का साया है और उन्होंने बहुत बार महसूस भी किया है। यही रीज़न है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है कि आफ्टर सनसेट नॉट अलाउड, सनसेट के बाद किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। वहीं अगर गांव वालों की बात करें और कुछ बाकी गार्डों की बात करें, तो उनका अकॉर्डिंगली ये बोर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा वीरान है, और वीरान होने की वजह से रात को यहाँ पर लेपर्ड और सांप भी कई बार देखे जाते हैं। तो पब्लिक की सेफ्टी के रीज़न की वजह से आफ्टर सनसेट यहाँ पर जाना बैन कर रखा है। ऐसी ही कुछ और भी कहानियाँ थी, वो कहानियाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये कहानियाँ सच है या झूठ है ये तो नहीं पता, लेकिन ये जगह बहुत फोटोजेनिक थी। तो फ़ोटो खींचते खींचते कब 2 घंटे हो गए हमें पता ही नहीं चला, और उगते हुए सूरज के साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, और गर्मी को काटने के लिए हमने निकाला एक देसी इलाज, ये। ये थी हमारी अब तक की भानगढ़ की कहानी। घूमने के बाद हम सीधा पहुंच गए अपने नेक्स्ट लोकेशन जयपुर।